पूर्णबंदी शुरू होने के बाद से ही प्रवासी कामगार सियासत के केंद्र बिंदु में हैं। कभी प्रवासी कामगारों को लेकर सरकार की रणनीति पर सवाल उठते हैं तो कभी इनकी घर वापसी पर विपक्ष सरकार को आड़े हाथों ले रहा है। कभी रेल किराया मुद्दा बनता है तो कभी श्रमिकों के लिए बनाए गए कानून में बदलाव पर सियासी खिचड़ी पकाई जा रही है। तो क्या अब ये प्रवासी कामगार बीजेपी के लिए बड़ी सिरदर्दी बनने वाले हैं? हालात तो कुछ इस ओर ही इशारा कर रहे हैं। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। पूर्णबंदी के बाद श्रमिकों की तस्वीरें देश के कई हिस्सों से सामने आई। थके हारे पैदल लंबे लंबे डग भरते श्रमिकों की तस्वीर। सफर इतना लंबा था कि कई रास्तों में ही काल के गाल में समा गए तो कहीं सूटकेस पर पड़े बेसुध भारत के भविष्य को रस्सी के सहारे खींचती मां की तस्वीरें सामने आई। हर तस्वीर सरकार पर श्रमिकों के डगमगाते विश्वास की कहानी बयां कर रही थी और हर एक सामने आती तस्वीर के साथ बीजेपी की टेंशन बढ़ रही थी। लिहाजा पूर्णबंदी के बीच पार्टी के सीनियर लीडर्स की पहली बार पार्टी चीफ जेपी नड्डा के घर मीटिंग हुई और इसमें भी प्रवासी कामगारों का मसला छाया रहा। शायद जब बीजेपी ने पूर्णबंदी की घोषणा की थी तब पार्टी को हालात की गंभीरता का अंदाजा नहीं था। पार्टी को इसका आभास अप्रैल के आखिरी दिनों में हुआ और फिर इन लोगों को घर पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई। लेकिन फिर रेल टिकट को लेकर सियासत शुरू हुई और श्रमिकों के लिए कानून में बदलाव के मुद्दे ने भी तूल पकड़ा। हर उठते मुद्दे के साथ श्रमिकों का सरकार पर भरोसा कम होता चला गया और श्रमिक पैदल ही घरों की ओर चलने लगे और बीजेपी को वोट बैंक कम होने का डर सताने लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में भी इसकी बेचैनी दिखी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में रेड़ी ठेला लगाने वाले और पटरी पर सामान बेचने वालों और श्रमिकों को अपना साथी बताया। ये जताने की कोशिश की कि सरकार को इन लोगों की पीड़ा का आभास है। राहत पैकेज का मरहम लगाकर श्रमिकों का भरोसा जीतने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन विरोधियों के तल्ख तेवर और लगातार उठते सवाल सरकार की सिरदर्दी बने हुए हैं। सरकार की परेशानियां बढ़ने की वजह भारत का वोटिंग पैटर्न भी है, क्योंकि गरीब तबका ही किंग मेकर की भूमिका में रहता है। 2019 में 2014 के मुकाबले बीजेपी का वोट शेयर 31.1% से बढ़कर अगर 37.4% हुआ तो उसमें इसी गरीब तबके का योगदान है। गांव में भी बीजेपी का वोट प्रतिशत 7.4% बढ़ा है। साफ है श्रमिकों पर सियासत तो खूब होती है। श्रमिकों में पार्टियों को माँ बाप, भाई बहन, सब रिश्तेदार नजर आते हैं, लेकिन जरूरत के वक्त क्या आलम है ये पूरा देश देख रहा है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।